मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि गुरुवार को राहुल गांधी के साथ उज्जैन में इस यात्रा में स्वरा भास्कर भी शामिल हुई, जो कि अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बीजेपी जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहती है, वे कन्हैया कुमार तो अब कांग्रेस का अभिन्न अंग है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा एंटी बीजेपी बयान देकर सुर्खियों में आए सुशांत भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और अब गुरुवार को इस यात्रा में फिल्मी अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई हैं। दरअसल चार दिन पहले ही अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के द्वारा भारतीय सेना के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान के समर्थन के कारण स्वरा भास्कर की अच्छी खासी आलोचना हुई थी और उन्हें भारत विरोधी बताया गया था। ये पहला मौका नहीं है कि जब स्वरा भास्कर ने इस तरीके का कोई बयान दिया हो और वो विवादों में आ गई हो। भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी हैं जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही है?